हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स न्यू दिल्ली की सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम वो 2 जुलाई 2022 को कंडक्ट किया गया था और आज फ्रेंड्स 4 जुलाई 2022 को उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, लॉट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है, कैसे आपका आगे होने वाला डॉक्यूमेंट अपलोड आपको कैसे करने हैं, इसके अलावा आपका जो इंटरव्यू होने वाला है या जो पर्सनल असेसमेंट होने वाला वो किस प्रकार से होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या, इस बार नया ऐड किया गया है कि जिन्होंने भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, इस बार उनका इंटरव्यू या फिर जो पर्सनल असेसमेंट है वो केवल और केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने वाला, मतलब ऑनलाइन मोड से होने वाला है 21 और 22 जुलाई को। आपको फिजिकली कहीं भी इंटरव्यू देने जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा काम आपका ऑनलाइन मोड से होने वाला है। अब कैसे होने वाला है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स क्या होगा, आपको अपनी जो ईमेल आईडी है उसको चेक करते रहना है। उसके ऊपर 21 या 22 जुलाई से पहले कभी भी आपके पास पूरा स्लॉट आ सकता है कि आपको किस दिन आना है, क्या टाइम रखा गया है, कितने कैंडिडेट आपके साथ देने वाले हैं, ये सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा अब आगे आपको करना क्या है, दूसरी बड़ी अपडेट भी आपको बता दें फ्रेंड्स। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं उनको सिंपली अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो एम्स के पोर्टल पर अपलोड करने हैं। अब कैसे करने हैं, कब करने हैं, तो देखिए 5 जुलाई 2022 से लेकर 7 जुलाई 2022 तक आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे अपलोड कर देने हैं। चलिए लिस्ट भी आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट हैं डॉक्यूमेंट की जो आपको अपलोड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने 7 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं तो उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू या फिर पर्सनल असेसमेंट नहीं होने वाला है, जो कि ऑनलाइन मोड से होने वाला है। तो देखिए, आपको एडमिट कार्ड है, आपका जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ये सभी अपलोड कर देनी है। एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है। अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, ओबीसी का है या फिर ईडब्ल्यूएस का है, एसटीएससी का है, वो भी अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली अपने जो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है उनको आपको क्या करना है, यूज़ करना है। 5 जुलाई 2022 को ये स्टार्ट हो जाएगा अपलोड होना। इसके अलावा आपका जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है वो कब से कब का बना होना चाहिए, 26/6/2021 से लेके 2 जुलाई 2022 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, वो 1 अप्रैल 2022 से लेके 2 जुलाई 2022 का बना हुआ होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूड की गई हैं, अगर इस तारीख का भी बना हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्कशीट आपके हैं, जीएनएम आपने की कर रखी है तो आपको जीएनएम की सभी जो मार्कशीट हैं वो लगानी है। आपने जो डिप्लोमा है आपके पास वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और जो कैंडिडेट 2003 से पहले पास आउट है उनको क्या सर्टिफिकेट अपने लगाने, जो उन्होंने जो कोर्स कर रखा है 6 मंथ का, वो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आरएम और आरएन रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ है, चाहे आप किसी भी स्टेट काउंसिल से हैं, वो आपको अपलोड करना है। अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगे कि ये मेरे पास है तो वो भी आपको अपलोड कर देना है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट वो फिजिकल फिटनेस का है, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको सत्यापित करवाकर वो भी अपलोड कर देना है कि हाँ भाई मेडिकली फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कैंडिडेट हैं जो डिसेबल हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको भी अपना सर्टिफिकेट लगा देना है। चलिए फ्रेंड्स, ये सब बड़ी अपडेट आपके लिए हो गई है। तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।